अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खड़िया से होंगे। अगर आप आर्मी जानी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन डिटेल स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। किस वीडियो में आपके साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि नम्स के एडमिशन के वाले से कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नम्स फॉल 2022 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ साइंस के डिग्री प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो 16 ईयर इक्विवेलेंट एजुकेशन, MBBS, BDS, BS नर्सिंग, BS AHR, AHS डी फार्मेसी, DPT, DVN इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। नम्स एंटी टेस्ट आपने दिया हो और मिनिमम 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट में अगर नाम आएगा तो आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। ये प्रोसेस है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको एंड पे बताऊँगा। MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसन में MBBS इक्विवेलेंट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके मिनिमम 50% से बहुत मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो PMC से जो है ना रिकॉग्नाइज है ये जो प्रोग्राम है, उसके बाद जो MSc कार्डिक एनेस्थीसिया, ठीक है, MBBS और इक्विवेलेंट जो है ना मतलब 16 ईयर इक्विवेलेंट जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, 1 ईयर हाउस जॉब होनी चाहिए, ठीक है, जो वैलिड रजिस्ट्रेशन विद PMC, और उसके बाद नम्स का एंटी टेस्ट 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिनिकल फेलोशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी जो ना आपकी इक्विवेलेंट एजुकेशन 16 ईयर इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन विद PMC 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। नम्स इंटरव्यू होगा उसके बाद, ठीक है, और जो जैसे ही आप टेस्ट देंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है ना आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में एनर्जी ह्यूमन जीनेटिक बायोटेक्नोलॉजी फोटोकेमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट है नम्स में, ठीक है। 16 ईयर इक्विवेलेंट एजुकेशन 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए और नम्स इंटरव्यू आपने दिया हो, ठीक है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 मई से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 10 जून है। उसके बाद नम्स एंटी टेस्ट जो है, ठीक है, वो 22 जून को होगा इन सब्जेक्ट्स का और 25 जून को इन सब्जेक्ट्स का होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा MS PH का 5 जुलाई को, MS ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का 6 जुलाई को, MSc कार्डिक एनेस्थीसिया 7 जुलाई को, और जो क्लिनिकल फेलोशिप और ऑडियो रिहेबिलिटेशन सेंटर का 8 जुलाई को, और इन डिग्रीज प्रोग्राम 18 जुलाई को, जो म्यूनोलॉजी ह्यूमन जीनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में 18 जुलाई को जो है ना इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू डेट 18 जुलाई है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 जुलाई को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट 27 जुलाई को, ठीक है। उसके दरमियान में आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद क्लासेज जो है आपकी 15 अगस्त को इन डिग्रीज प्रोग्राम की और 26 अगस्त को MS माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी ह्यूमन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे आपने एडमिशन करना है। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपना CNIC वगैरह एंटर करना है, ठीक है, जो है उसके बाद जो है ना आपने जो उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया, सबसे पहले आपने जो है ना अपने लॉगिन प्रोसेस मुकम्मल करना है। उसके बाद उनको इंट्रो देना है छोटा सा, ठीक है, वो उसमें आपका नेम वगैरह और ये चीज़ें जो है ना ड्रेस वगैरह पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने जो है ना प्रिंट निकलवाना है चलान का, वो 3000 चलान प्रिंट है, ठीक है, वो आपने सबमिट करवाना है, वो हबीब बैंक में आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद आपने जो है ना पेड चलान को स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिशन जो है ना आपने कर देनी है जो एप्लीकेशन की, ठीक है। ये एक सारा प्रोसेस था। ओरिजिनल जो है ना आपका CNIC वगैरह मैं आपको पहले से बता दूँ, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो बाद में आपको मसला होगा और बहुत ज़्यादा मसला होगा, ठीक है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद सिलेबस एंटी टेस्ट का जो है वो WW नम्स पाक एजुकेशन PK पे पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके भी जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम का जो है ना एंटी टेस्ट देना है। उसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अलाइड हेल्थ साइंस का फीस जो है ट्यूशन फी 27,500 है, 1,400 एडमिशन चार्जेज है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,400 है और सिक्योरिटी फ़ी 10,000 है। उसके बाद टोटल जो फ़ी बनती है वो 14,300 है। ऐसे ही सोशल साइंस ऑफ हेल्थ 1,21,000 है, पब्लिक हेल्थ 1,91,000 है, BS जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी 1,91,400 है, BS साइकोलॉजी में 1,11,400 है, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में 1,21,000 फीस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई करते कैसे करना है। जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ पर नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। CNIC लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ठीक है, पासवर्ड कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है, पासवर्ड को याद ज़रूर रखना है, ये आपको बाद में काम आएगा। बहुत से स्टूडेंट जो है ना ये गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं इसे, ठीक है, और आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक ईमेल आएगी। अगर तो ईमेल नहीं आती, ठीक है, आपने वो ही ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, वो फिर पासवर्ड जो आपने वो वहाँ पर लिखा था वो ही यहाँ पर लिखना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और लॉग इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताया था, ठीक है, वैसे ही सारा प्रोसेस होगा। लॉग इन करने के बाद आपसे आपका इंट्रो पूछेंगे, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने फी चलान निकालना है, फी चलान को स्कैन करके अपलोड करना है, फिर आपने फाइनल सबमिशन करनी है और आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू जो है ना आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप वैसे भी रोज़ाना इसको विज़िट करते रहा करें, ठीक है, आप इन रोज़ाना इनकी वेबसाइट विज़िट करते रहा करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्ज़ाम कब कब होगा, ठीक है, तो आपको रोल नंबर स्लिप जो है ना आपके ईमेल थ्रू मिल जाएगी। डायरेक्ट कांटेक्ट भी आप इनको कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आप मुझे भी डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।